वहीं टीवी 9 के सत्ता सम्मेलन में सीएए और धारा 370 को लेकर अमित शाह ने क्या कहा, सीएए और धारा 370 से क्या फायदा हुआ, आइए सुनते हैं अमित शाह की तरफ से क्या कहा। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल का वादा था हमारे आसपास के देशों से रिलीजियस माइनॉरिटी को नागरिकता देने का, पूरा नहीं होता था। तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस को रोकती थी। हमने सीएए का फैसला किया, हमने 370 और 35A को समाप्त कर दिया और आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं होंगे। हमारा 1950 से आंदोलन चल रहा था, मोदी जी के राज में ये समाप्त हुआ। और वहीं सीएए और एनआरसी पर क्या बोले ओवैसी, सीएए मुसलमानों के लिए क्यों है खतरा, इन सवालों का टीवी 9 सत्ता सम्मेलन में ओवैसी ने क्या जवाब दिया, ये भी आपको दिखाते हैं। मैं कह रहा हूं कि दिक्कत क्या है सीएए से, सीएए से दिक्कत यह है कि यह मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। देश के संविधान में आप मजहब की बुनियाद पर कैसे बनाते हैं आप? अब लोग बोलते हैं ये ओएसी क्यों, अच्छा भाई आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी हुआ, अब हेमंत बिस्व शर्मा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे उसको, बात किसी को नहीं देंगे, नहीं आएंगे अब 14 के बाद अगर हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान नहीं देंगे आप। हमारे पास लॉन्ग टर्म वीजा का प्रोविजन है, लॉन्ग टर्म वीजा के बाद उनको सिटीजनशिप देने का अख्तियार है। बीजेपी ये बोल रही है कि इससे पहले कोई था ही नहीं प्रोविजन, क्या बात कर रहे हैं तो आप, कह रहे हैं कि नागरिकता क्या खतरा है आपको। देखिए सीएए को अकेला नहीं देख सकते, एनपीआर और एनआरसी के साथ जोड़ना पड़ता उसको आपको। आप रिलीजन का लफ्ज निकाल दीजिए सीएए में, करिए, कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है इनको, आप रिलीजन की बुनियाद पर कानून मत बना रहे। पर आप हर चीज को फिर मुसलमानों के खिलाफ साजिश क्यों बोलते हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं हो रही है, बिल्कुल है। और चलिए बात करते हैं ईडी के समन की। ईडी के समन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए यह सब कुछ हो रहा है। टीवी 9 के सत्ता सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर और क्या कहा, यह भी आपको दिखाते हैं। जिसको लेकर के कहा जाता है कि उनका दावा है कि उनके पास में आपकी मोटी फाइल है, लेकिन अब आपके घर पे भी एक मोटी फाइल बन गई है जो लगातार उनके सम्मन आ रहे हैं, आठवां सम्मन आज आ गया, आप जा क्यों नहीं रहे ईडी के दफ्तर? ये 2 साल से इनका केस चल रहा है, कहते हैं कोई शराब घोटाला हुआ था दिल्ली में, 2 साल से इनका केस चल रहा है। इन 2 सालों के अंदर पता नहीं 1000 से ज़्यादा रेड मार चुके, पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, इनको अभी तक एक नए पैसे की रिकवरी नहीं हुई, पता नहीं कितने रेड मार चुके हैं, मनी हैं। ये केस आम आदमी पार्टी को क्रश करने के लिए है, ये आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं। पूरे देश के अंदर ऐसी पार्टी बता दी जिसके टॉप के नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के नेता जेल के अंदर बैठे बिना किसी आरोप के, कोई आरोप नहीं कुछ नहीं, तो ये आम आदमी पार्टी को क्यों क्रश करना चाहते हैं? पूरा देश देख रहा है, जब इनका मकसद जांच करना नहीं है तो इनका मकसद गिरफ्तारी करना है। इन्होंने जैसे मैंने कहा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सबको गिरफ्तार कर लिया, अब ये केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। बीजेपी ने कर्नाटक में कांग्रेस समर्थकों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने एफआईआर में किसके नाम दिए हैं, इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। बेंगलुरु में राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन के समर्थकों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के आरोप लगे हैं। कर्नाटक बीजेपी ने नासिर हुसैन और उनके समर्थकों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कांग्रेस पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी, खड़गे और कर्नाटक के गृह मंत्री से इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस पार्टी व्हेन इट वाज इन पावर दे यूज्ड टू अब्रॉब विद पाकिस्तान, नाउ दे आर डायरेक्टली सपोर्टिंग द पाकिस्तान, सो आई स्ट्रॉन्गली कंडेम दिस एंड आई आस्क मिस्टर राहुल गांधी व्हाट इज हिज टेक ऑन दिस, आस्क मिस्टर खड़गे व्हाट इज हिज टेक ऑन दिस, बिकॉज मिस्टर नासिर हुसैन इज द शिष्या ऑफ मिस्टर खड़गे।